शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो आ गया है दसवीं और बारहवीं दोनों का रिजल्ट जो है वो आज ही के दिन आया है बच्चों को जो है उम्मीद नहीं थी हालांकि कि, कि दसवीं का रिजल्ट जो है वो आज ही आ जाएगा बारहवीं कहीं ना कहीं बारहवीं कक्षा के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लेकर चल रहे थे कि आज रिजल्ट आने वाला है लेकिन कन्फर्मेशन जो है वो नहीं थी और कन्फर्मेशन ऐसी हुई कि सीधा रिजल्ट ही जो है वो हाथ में आ गया है रिजल्ट सीधा दो घंटे पहले तक ये नहीं पता था कि रिजल्ट आने वाला है एकदम से सी ने कहा रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है उस समय कैसा लगा रिजल्ट की बात करेंगे लेकिन उस उस समय समय कैसा लगा उस समय बिल, बिल्कुल घबराहट हो रही थी क्योंकि हमने पूरी साल इतनी मेहनत करी थी और उसका रिजल्ट आने वाला था और ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला था क्योंकि हमारे पूरी साल की मेहनत सिर्फ एक दिन में दिखने वाली थी और काफी टाइम से इंतजार था इस मोमेंट का अच्छा तो उस समय क्योंकि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए सबसे पहले मार्क्स का जो खुलासा है वो अंजलि करेगी मेरे मार्क्स नाइन्टी सेवन परसेंट आए हैं और आ, मैं मतलब खुश हूँ पर मैंने जितना गोल किया था जितना मतलब मैंने टारगेट किया था वो उतना उतना अचीव नहीं हो पाया पर कोई बात नहीं आ, अगली बार मैं इससे ज़्यादा अच्छा ट्राई करूँगी और आ, म, आ, मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगली बार मुझे मेरा टारगेट ज़रूर मिलेगा और अगर हम पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरे हार्डवर्क के साथ अगर हम अपने पूरे साल मेहनत करें कंसिस्टेंसी के साथ तो हमें अपना टारगेट बिल्कुल ज़रूर मिलता है बिल्कुल हार्डवर्क बहुत ज़रूरी होता है मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और क्योंकि हर मतलब अगर हम किसी कार्य को करने के लिए सोच लेते हैं तो उसके पीछे हमारी मेहनत ही है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है नाइन्टी अंजलि आप जो है मार्क्स लेकर आए हैं इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे किसकी वजह क्योंकि आपकी मेहनत तो है लेकिन कई लोग जो हैं आपके साथ ऐसे होंगे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा वो लोग कौन थे मेहनत तो बच्चे की होती है पर बच्चे के साथ कई लोगों की मेहनत हो जैसे टीचर्स मेरा मतलब मेरी मेहनत के पीछे मेरे आ, सक्सेस के पीछे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ था उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और मुझे हर टाइम सपोर्ट किया हर टाइम इमोशनल सपोर्ट हो चाहे कैसा भी सपोर्ट हो क्योंकि जब एक बच्चा मेहनत करता है काफ़ी बड़े गोल के लिए हार्डवर्क करता है तो उस टाइम उसके मन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है काफ़ी सारे आ, स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है पर उस टाइम अगर टीचर सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा वो बच्चा कर सकता है और यही मेरे साथ हुआ था मतलब मैंने जब इस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था अपना गोल सेट करा था उसके मेहनत करी थी तो उस टाइम मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी पर उनका सॉल्यूशंस मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से दिया था और सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को अच्छे से जाता है ठीक है आखिरी सवाल जो है अंजलि वो है आपसे अब दसवीं के बाद किस तरीके का प्लान जो है वो रहने वाला है किस स्ट्रीम की तरफ रुझान है क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में टेंथ के बाद मेरा मेरा पूरा फोकस मेरे मेडिकल करियर पे रहेगा मुझे न्यूरो सर्जन बनना था लाइक नाइन्थ क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे न्यूरो सर्जन बनना है पर मैंने मतलब उसके लिए धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करा मेरा साइंस पर बहुत अच्छा फोकस था मतलब साइंस मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉग था और मैंने हमेशा से उस पर ध्यान दिया बिल्कुल और आगे मुझे उसी के लिए अपना करियर बनाना है उसी में और इसी के लिए मैं इलेवंथ में भी अच्छे से प्रपेयर करूँगी एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ एंड आई विल डेफिनेटली अचीवमेंट बिल्कुल आप बिल्कुल जो है अपना जो आपने जो गोल रखा हुआ है वो बिल्कुल आप अचीव करेंगे और हम भी आशा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं जो हैं वो भी आपके साथ हैं कि आप बिल्कुल न्यूरो सर्जन जो है वो बने हमारे साथ खुशी मौजूद है उनका भी आज रिजल्ट आया बारहवीं कक्षा में थी नाइन्टी उनका परसेंट जो है रिजल्ट आया है कैसा लग रहा है खुशी अचीवमेंट बहुत अच्छी जो है वो हुई है तो किसको श्रेय देना चाहेंगे सबका मैम सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो क्रेडिट है वो पूरा पूरा मेरे टीचर्स को एम सर एंड आर प्रिंसिपल मैम दे मोटिवेटेड अस एवरी टाइम लाइक इन एवरी पॉइंट ऑफ द टाइम पीरियड लाइक उन्होंने हमें हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया और मतलब मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है पढ़ाई पे मैंने बहुत फोकस किया है तो इसी का ही आज रिज़ल्ट आया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने तो रिजल्ट के साथ। बच्चों, उन बच्चों के लिए कुछ मैसेज कि पढ़ाई करने का तरीका किस तरीके से था एक चीज़ को कितनी बार पढ़ते थे पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया हुआ था या फिर एक टॉपिक सोच लिया करते थे कि आज ये टॉपिक ख़त्म करना है तो शेड्यूल किस तरीके से जो है वो रहन, रहता था पढ़ाई का मैम मेरे को मतलब ऐसे टॉपिक डेली का ये रहता था कि हाँ आज जो स्कूल में पढ़ाया गया है सिर्फ वही मेरे मतलब मैंने कोई ऐसा ट्यूशन भी नहीं लिया सिर्फ स्कूल टीचर्स ने जो पढ़ाया वो सिर्फ घर पे जाके मैं मैंने रिवीजन किया और उसी के साथ मेरा कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था कोई टाइम टेबल नहीं था प्रिपेयर्ड मेरे को सिर्फ ये था कि जो आज टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसको कम्प्लीट करके सोना है और उसी का रिविज़न आज करना है तो ऐसे करके हमारे टीचर्स ने भी हमारे सिलेबस का बहुत बार रिवीजन करवाया है जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोबारा रिवीजन करवाया उस पूरे सिलेबस का तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी, पूरी तैयारी की और आपकी जो मेहनत है क्योंकि आपने मेहनत की और आप घर जाकर सिर्फ यही सोचते थे कि जो आज मैं स्कूल में पढ़कर आई हूँ मुझे आज वो घर जाकर रिवीजन करनी है और उसको अच्छी तरीके से समझना है ताकि वो मेरे भविष्य में जो है वो काम आ सके आपके लिए जो है एक प्रश्न और बनता है आगे का फ्यूचर जो है किस तरीके से देखती मेरा जो करियर ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया है वो मैंने सी ए किया है और उसी की फोक उसी उसी करियर पे मैंने फ़ोकस किया है इसीलिए मैंने अपने अकाउंट्स और बिजनेस पे मैंने अपना ज़्यादा ध्यान रखा है हुँ. और हमारे टीचर्स ने भी मुझे मतलब गाइड किया कि हाँ मैं इस करियर ऑप्शन के करियर ऑप्शन पे जा सकती हूँ ये अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए और मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी मेरे को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ये विश्वास जो है वो आपका इसी तरीके से बने रहे और हम भी यही आशा करते हैं कि आप अपनी विश्वास पर खरी उतरें प्रिंसिपल हमारे साथ जो है वो एसएससी एकेडमी की है मैम इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हुई है बच्चियां इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई हैं क्या कहें मैम हमारे स्कूल में काफ़ी खुशी का माहौल है क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्होंने एंड uh, हर साल हम इतना ही अच्छा रिजल्ट देते आए हैं और आगे भी हमारा यही है कि अच्छा रिजल्ट देंगे हर साल हमारे चार पांच बच्चे जी मेंस का जी एडवांस का टेस्ट क्लियर करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो हमारे जो एलिमिनी ग्रुप बना हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे ऑलरेडी इंजीनियर्स बन गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए हैं कुछ बच्चों ने सी को प्रस्यू किया है तो हमारा जो स्कूल है सभी विषयों पर ध्यान देता है चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो या वो ह्यूमैनिटीज़ हो हमारे सभी बच्चे अपने अपने एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं इसके साथ ही स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमारे स्कूल में काफ़ी फोकस रखा जाता है हमारे स्कूल ने लगभग अब तक चार जो नेशनल चैम्पियन दिए हैं जो कि हैंडबॉल में रहे हैं हमारे बच्चे और उसमें जो हमारे चेयरमैन सर हैं मिस्टर के के भारद्वाज उनका अच्छा एकेडमिक्स अच्छा पे हर टाइम वो बच्चों के लिए टीचर्स के लिए ही इज़ एवरी टाइम अवेलेबल एट द स्कूल कैंपस कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम वी आर रियली थैंकफुल टू आवर टीचिंग स्टाफ बिकॉज विदाउट देयर ज्वाइंट एफर्ट्स वी विल वी वुडेंट हैव अचीव दिस गोल क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर स्टाफ है दैट इज़ द एक्सेलेंट वन आसपास का जितना भी जो एरिया है सराउंडिंग्स है पटोदी रीजन पटोदी रीजन में हमारे पास जो एकेडमिक्स की सबसे अच्छी टीम है और ये पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे बच्चों को हमारे टीचर्स ये को ये हमारी मैनेजमेंट को जाता है एंड दिस इज़ द प्रूफ इन बच्चों ने कर दिखाया है कि भोड़ा कला के अंदर जो पटौदी है पटौदी के अंदर सबसे अच्छी अगर शिक्षा जो है वो मिल रही है तो एसएससी एकेडमी में मिल रही है क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो उन बच्चों के साथ इस तरीके से मेहनत करते हैं जैसे वो उनके लिए सब कुछ हैं और उसी मेहनत का उन बच्चों की मेहनत का और उन टीचर्स की मेहनत का आज रंग आ गया है और इसी के चलते आज एस एस का इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि पचास से ज़्यादा बच्चों के अस्सी प्रतिशत से ज्यादा अंक आए हैं हमारी तरफ से एसएससी एकेडमी को बेहद शुभकामनाएं धन्यवाद